सूट भी बोला ना। हाँ सूट लेके आया। ओहो किसे फर्क पड़ता है? तो वो ना क्या करता है, एक मछली जो तड़प रही होती है ना उसे उठा के दोबारा पानी में फेंक देता है, कहता है इसे फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब समझे आप लोग। सो ये हम लोग पहुंच गए हैं तमन्ना होम, पूरी टीम जा रही है, डॉक्टर साहब वहीं रह गए हैं। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। रोशनी क्या कहा था आपने मेरे को है? क्या लेके आना है? समोसा और चौमीन और सूट भी बोला ना। हाँ सूट लेके आया। सामान लो बेटा, आ जाओ सारे अंदर, आ जाओ अंदर, आ जाओ आजो आजो। रोशनी घर चले जाओ, होली का भी आया है, होली खेलनी है ना, है ना, घर पे खेलनी है, यहाँ खेलनी है। आपके याद कर रही है, आपको याद कर रही है। कैसे आप? कैसे ये दीदी है? ये दीदी कह रही रोशनी को घर लेके जाऊंगी। चलो चलो। इनका नाम भी नेहा है, नेहा। नहीं नेहा गई ना, नेहा जो थी। हाँ आप भी चले जाना। ममता नाम है, कब आए हो, कहाँ से हो, रोज से आ रही हो? हाँ आपको भी, आपको तो मैं जरूर भेजूंगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है देवी, मुझे भेज देंगे आप? बिल्कुल आपको क्यों नहीं, आप रोशनी को सबसे पहले भेजेंगे। सबसे पहले सपना दीदी की याद आ रही है, सपना दीदी तो गई। फोन पे बात कर रही थी दीदी से, लाइन 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 लगा लो। लाल लाल रंग जो आपको अच्छा लगेगा ना, वो वाला रंग देंगे। अभी ये तो अपनी पहन लिया, बाइक ये बढ़िया से रंग। अच्छा एक मिनट में अभी निकाल पड़ेगा, ठीक है बेटा, पहन के आ जाओ, जा जाके पहन के आ जाओ। बात रोशनी करा जो लाल 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 रंग इस तरीके से हम लोगों ने अपने पूरे स्टाफ के साथ मिलकर हमारे हॉस्पिटल की पहली एनिवर्सरी इस मेंटल होम में इन सारी महिलाओं के साथ मनाई। चलो सूट पहनना है ना, नया नया सूट, आ जाओ क्या हुआ? अरे बस बस बेटा बस बस, आ जाओ नया सूट पहनना है ना। बच्चे हैं? आपके कोई बच्चे नहीं है? और याद पति की आ रही है? और मम्मी पापा की? घर में याद आ रहे हैं उनकी? आपको कुछ भी नहीं पता बेटा, एड्रेस वगैरह कैसे पहुँचाए आपको, कहाँ से हो?
यूपी में जगह कौन सी है? यूपी तो बहुत बड़ा है ना, यूपी में कोई जगह होगी? पहले कहाँ रहते थे? शादी से पहले कहाँ रहते थे? ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत सुंदर लग रहे हैं। अरे ये कौन आ गया? नमस्ते। अरे रोशनी, सब अरे तो बहुत सुंदर लग रही है रोशनी तो। हम लोग इन सारी महिलाओं और बेटियों के लिए एक एक जोड़ी सूट लेकर गए थे जो कि स्टिच्ड थे, और फिर उन सब ने पहने, और इन सब ने पहनने के बाद हमने इनका फ़ोटो शूट करवाया। तो इन सब ने वो फ़ोटोज़ देखी, इन सबको बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारे साथ नितिन जी हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है इस पूरे इवेंट को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने में। ये बच्चे पहले से ही इनको जानते हैं क्योंकि ये माइका स्वीट होम से हैं, और माइका स्वीट होम की तरफ से ये बच्चे रेगुलरली यहाँ पर विज़िट करते रहते हैं। तो इस तरीके से सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, इनके साथ गेम्स खेले। फिर इसके बाद आगे आप लोग देखें कि हमने जो इन्होंने डिमांड की थी कि हमें समोसे खाने, तो हम समोसे लेकर गए हुए थे। दिन को सोती, रात को रोती, क्या मोमबत्ती? अरे वाह। पापा का, मम्मी का नाम है शीला, और दादा का? हाँ सोचो सोचो सोचो, दादा का नाम सोचो। यहाँ क्यों आए हो? कौन छोड़ गया? पहाड़ा मोल्ला ना आपको छुड़वाते हैं, ठीक है? पापा के पास जाना है, रखने को पापा के पास जाना है, याद आ रही है पापा की? छोड़ के यहाँ कैसे आ गए? मैं तो छावले से, मैं पापा छोटा सा बचपन में देख के आया था। यहाँ कैसे आ गए? कौन लाया यहाँ पे? घर वालों ने छोड़ा है? आप गलती से गुम हो गए थे। ठीक है तो हम कोशिश करेंगे, ठीक है? रणबीर नाम है मेरा। रणबीर, दादा का नाम रणबीर है? रणबीर या रणधीर? रणबीर। रणबीर क्या करते हैं पापा? पापा मेरा काम करता है, दादा दादा मेरा कमेटी में लाग रहा है। कमेटी में उधर बोलो देख के। और पापा? और पापा? पापा बैंक के टाल में लाग रहा है पापा। अच्छा ठीक है। और भाई है कोई? हाँ भाई है, एक भाई है मेरे। पांच बेबे पे एक भाई है। सिब्बू नाम है मेरे भाई का। भाई का नाम सिब्बू है। चलो चाचा का नाम है, मेरे चाचा का नाम है, एक का नाम विनोद है, एक का नाम काकू है मेरे चाचा का। विनोद और काकू आपको ढूंढवाते हैं। देखो इधर बोलना है, ठीक है? तो इन्होंने जो भी अपना बताया है, अगर वहां से कोई भी है आस पास से तो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ढूंढवाते हैं आपको, ठीक है? राम राम। दादी का नाम है रानी। ये रील कल डाली गई थी इंस्टाग्राम पे, और आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये ट्रेस हो चुकी हैं, इनके पेरेंट्स से हमारी बात हो चुकी है। तो हमने एक और केस ट्रेस करके दिखा दिया है, और बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे इन्हें घर भेजने की। अच्छा चुप, घर लेके चले, घर जाना है घर। ये हमारे हॉस्पिटल की पूरी टीम मिलकर इन सारी महिलाओं को, क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम डिमांड की थी समोसे की, तो समोसे और उसके साथ में उपासना ने कहा कि अरुण कुछ ड्रिंक्स में क्या सही रहेगा, तो पहले हम कोल्ड ड्रिंक सोच रहे थे, फिर कहा कि नहीं यार ये नुकसान कर सकते, तो हमने ले ली छाछ। तो एक छाछ और उसके साथ में समोसे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इन लोगों ने सबने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। नाम कुछ पता ही नहीं है, कैसे करना है बताओ? मैं तो पुलिस का नहीं जाऊंगी। पुलिस के पास नहीं जाओगे? कहाँ पे रहते हैं? तो ये वेद आयुर्वेद हॉस्पिटल की तरफ से शैम्पू एंड बॉडी मॉइस्चराइजर,
ये सारा डॉक्टर उपासना यहाँ पर लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर उपासना। आएंगे दोबारा जी मैडम। बाय सर, कुछ भी चाहिए हो बता देना, ठीक है? बाय बाय बाय। अच्छा अगली बार बता दो क्या लेके आए। सैंडल्स लाइए। सैंडल, ठीक है। आप एक इनकी लिस्ट बना के इनका जो भी सैंडल का नंबर है सबका करेक्ट, ठीक है, वो आप शेयर कर देना। अगली बार सैंडल लेके आए। सैंडल और कुछ बिंदी और छोटी बिंदी, ठीक है, और लिपस्टिक, ठीक है, मेकअप का सारा सामान आ जाएगा, ठीक है, और कुछ चूड़ी भी, चूड़ी, ठीक है, घड़ी और घड़ी भी वाली हो जाए वो भी, ठीक है, 20-20 वाली भी हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो अगली बार सबके लिए अब हम ना मेकअप का सामान, घड़ी और सैंडल, और कुछ चाहिए तो अभी बता दो। और चूड़ी, चूड़ी, ठीक है, चूड़ी तो डाल रखी है, और ला देंगे, ठीक है, ठीक है। अब अगली बार मिलने आएंगे, ठीक है, चलो बाय। ध्यान रखना सब अपना, ठीक है, बाय। आओ ये देखो, बिना छीदे भी डल जाएगा। अच्छा आओ, कल आपके लिए अगली बार लेके आएंगे। दान करते नहीं था तो अच्छा लग रहा है, वोट मिल जाएगा। ओहो ठीक है, इनका 6 दिन लिए था। हां अभी ऐसे डाल दिया हमने। और ये नेताजी के साथ उनके सारे कार्यकर्ता खड़े होते हुए नेता रैली के बाद, अभी रैली भी निकलेगी, आज रैली निकलेगी, कल रेल बनाएंगी मैडम। काम ना होया हैं? हाँ बुराई पीठ पीछे, ठीक है। कैसा एक्सपीरियंस था आप लोगों का? बहुत अच्छा। अच्छा आप लोग भी ये सोचते होगे ना, कभी तो ये अनाथ आश्रम ले जाते हैं, कभी ये मेंटल होम ले जाते हैं, तो देखो यार हम लोग ना अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, और हर एक उस इंसान की ना कोशिश बहुत इनकी जिंदगियां बदल सकती है। एक ना एक मिनट की कहानी है, वो सुनाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक बार ना एक लड़का नदी के किनारे खड़ा था, तो वो देखता है कि ना जब लहर आती है तो वो अपने साथ ना कुछ मछलियों को ना बाहर फेंक देती है, फिर वापस चली जाती है, और वो सारी मछलियाँ ना तड़पने लगती हैं, तो उससे ना देखा नहीं जाता। वो क्या करता है, उन मछलियों को ना उठा उठा के पानी में दोबारा फेंकना शुरू कर देता है। सुबह से शाम हो जाती है, तो एक चाय वाला खड़ा था साइड में, सुबह से देख रहा था उसे, तो वो उसके पास आता है, वो कहता है क्या कर रहा है? कह रहा है मैं इन मछलियों को ना उठा के दोबारा फेंक रहा हूँ ताकि ये मर ना जाएं। तो कहता है किसे फर्क पड़ता है? तो वो ना क्या करता है, एक मछली जो तड़प रही होती है ना उसे उठा के दोबारा पानी में फेंक देता है, कहता है इसे फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब समझे आप लोग कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ना हमारी हेल्प की जरूरत है, और अगर हम थोड़ा सा भी किसी के लिए कर पाए तो उनकी जिंदगियां ना हमारी उस हेल्प से बदल सकती है। तो आगे भी हम लेके जाते रहेंगे, ठीक है। आप लोगों को जो एक्सपीरियंसेस हैं ये लाइफ में बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।